जय हिंद तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग तो आप लोग कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो देखिए आज है आपको 19 मार्च आज क्या है 19 मार्च है और 19 मार्च से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ठीक है और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको उन्नीस फरवरी से पहले सॉरी उन्नीस मार्च से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा ठीक है और इस क्लास का पी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा कहाँ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया हुआ है आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है और वहां से आप जाके ज्वाइन कर लेंगे ठीक है पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ठीक है तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देखते हैं आपको कल जो है यानी अठारह मार्च को कौन सा होमवर्क दिया गया था देखिए कल जो है आपको दिया गया था होमवर्क कौन सा कि हाल ही में हाल ही में क्या है प्रश्न कि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन जो है किसने जीता देखिए विश्व की सबसे ऊंचा जो है आपको लद्दाख में हुआ फ्रोजन लेक मैराथन ठीक है वह जो है आपको कौन सा राज्य जीता है तो ये जो जीता है आपको मध्य प्रदेश ठीक है कौन जीता है मध्य प्रदेश ठीक है याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है है ठीक है उसके अलावा बात करेंगे तो डब्ल्यू पी एल अभी हाल ही में डब्ल्यू पी एल हुआ कितना तारीख को हुआ था फाइनल सत्रह मार्च को उसमें जो है आपको विजेता टीम कौन सा है तो आर सी बी आर सी बी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर याद रखना है और इसका कैप्टन कौन है तो स्मृति मंदाना और इसमें जो है ऑरेंज कैप कौन जीता तो ऑरेंज कैप जो है आपको एलिसा पेरी याद रखना है एलिसा पेरी एलिसा पेरी जो है इनको क्या मिला है तो इनको मिला है ऑरेंज कैप ठीक है और पर्पल कैप बात करेंगे तो श्रेयंका पाटिल पर्पल कैप किसको मिला है तो श्रियंका पाटिल जी को श्रियंका पाटिल को क्या मिला है तो श्रेंका पाटिल को मिला है पर्पल कैप ठीक है और इमरजिंग प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर भी याद रखेंगे इमरजिंग प्लेयर भी श्रियंका पाटिल को ही मिला है और विजेता टीम को कितना करोड़ रुपया छः करोड़ रुपया मिला है विजेता टीम को छः करोड़ और उप विजेता को तीन करोड़ ठीक है उसके अलावा बात करेंगे तो प्रो कबड्डी जो होता है प्रो कबड्डी का दसवां सीजन जो हुआ था दसवा सीजन वो कौन जीता है तो हरियाणा देखिए पुनेरी पलटन सॉरी पुनेरी पलटन याद रखना है पुनेरी पलटन जीता है ठीक है पुनेरी पल्टन किसको हरा के हरियाणा स्टीलर्स को हरा के हरा के ठीक है उसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में बात कर लेंगे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है देखिए हाल ही में चुनाव हुआ था उसमें जो हो मोहन यादव कौन बने हैं मोहन यादव जी बने हैं क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसे पहले कौन थे तो शिवराज सिंह चौहान थे और राज्यपाल बात करेंगे तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है आपको राज्यपाल हैं और इसका गठन जो है एक नवंबर उन्नीस को हुआ कब हुआ एक नवंबर उन्नीस को मध्य प्रदेश का गठन हुआ आपको इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे ठीक है उसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी अगर हम बात करेंगे इसमें तो देखिए मध्य प्रदेश का जो है लोकसभा सीट कितना है अट्ठाईस है और राज्यसभा सीट बारह अट्ठाईस है जो लोकसभा सीट है बारह सॉरी अट्ठाईस नहीं है उन्तीस है तीस लोकसभा सीट है और ग्यारह आपको राज्यसभा सीट है ठीक है और दो सौ तीस याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट दो सौ तीस क्या है विधानसभा सीट है तो इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है नेक्स्ट है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में लेजर हथियार जो है ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया यानी लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण जो है कौन सा देश किया है तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन ठीक है क्या होगा ब्रिटेन होगा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है तो ऋषि सुनक ऋषि देखिए ऋषि सुनक जी हैं ठीक है ऋषि सुनक जी और ये जो है आपको भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ठीक है यानी भारतीय नागरिक हैं उसके अलावा आगे देख लेते हैं आगे क्या है आगे है सेकंड प्रश्न आगे सेकेंड क्या है सेकंड है कि हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव जो है दो का आयोजन कहा हुआ यानी वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव दो का आयोजन कहाँ हुआ है तो ये जो हुआ है आपको हैदराबाद में ठीक है कहाँ हुआ है हैदराबाद में यानी वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव दो का आयोजन कहाँ हुआ तो आपको हैदराबाद ठीक है और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो ये जो है आपको महाराष्ट्र में और हॉर्नमिल हॉर्नमिल महोत्सव तो हॉर्नमिल त्यौहार ठीक है तो ये जो है आपको हॉर्नमिल त्यौहार जो है आपको नागालैंड में ठीक है उसके अलावा चापचरकूट बात करेंगे तो चापचरकूट आपको मिजोरम मिजोरम अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न देखिए थर्ड क्या कहता है थर्ड है आपको कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस से है कौन सा मार्च को यानी मार्च में कौन सा डेट को मनाया गया है तो ये जो है आपको 16 मार्च को कितना तारीख को 16 मार्च को याद रखेंगे ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करेंगे देखिए उसके अलावा जो है सत्रह मार्च को ठीक है सत्रह मार्च को कौन सा है तो देखिए सत्रह मार्च को जो है आपको प्रेरणा दिवस याद रखना है क्या है प्रेरणा दिवस सत्रह मार्च को है प्रेरणा दिवस ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए पंद्रह मार्च को कौन सा है पंद्रह मार्च को है आपको विश्व उपभोक्ता दिवस पंद्रह मार्च को है विश्व उपभोक्ता ठीक है विश्व उपभोक्ता दिवस उसके अलावा देखिए मार्च में जो है इंपॉर्टेंट दिवस जितना भी है आपको करवा देते हैं याद रखेंगे जैसे विश्व वन्य जीव वन्य जीव दिवस ये है जो है आपको तीन मार्च को है विश्व वन्य जीव कितना तारीख को तीन मार्च को फिर उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कितना तारीख तो को है, है, को, आ, है, है तो चार मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को उसके बाद विश्व खुशहाली दिवस कितना तारीख को है तो बीस मार्च को है ठीक है उसके अलावा बात करेंगे तो 6 मार्च को है घाना स्वतंत्रता दिवस है 7 मार्च को क्या है जन औषधि दिवस ठीक है जन औषधि 10 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट है आपको है 10 मार्च को कौन सा है सी आई एस एफ दिवस सी आई एस एफ और सी आई एस एफ सी आई एस एफ के, के प्रमुख कौन बनी है तो आपको प्रथम महिला बनी है प्रमुख जो है आपको याद रखना है नाम नीना सिंह ठीक है नीना सिंह है ठीक है उसके अलावा बात करेंगे ग्यारह तारीख को तो ग्यारह मार्च को है वर्ल्ड प्लम्बिंग डे ठीक है वर्ल्ड प्लबिंग डे जो है कितना तारीख को है ग्यारह मार्च को है उसके अलावा बारह मार्च को है मोरिसस दिवस ठीक है तो मार्च से जितना भी दिवस जो बताए आपको सभी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे नेक्स्ट है आपको फोर देखिए फोर क्या कहता है फोर है हाल ही में देश की पहली एल बस का उद्घाटन कहाँ हुआ एल बस एल बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो ये जो हुआ आपको मुंबई में ठीक है मुंबई में हुआ है एल का फुल फॉर्म क्या होता है लिक्विड नेचुरल गैस होता है ठीक है क्या होता है लिक्विड नेचुरल गैस लिक्विड नेचुरल गैस होता है ठीक है लिक्विड नेचुरल गैस होता है याद रखेंगे और मुंबई में बात करेंगे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है तो एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं ठीक है थीके? और इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ महाराष्ट्र का गठन कब हुआ 1 मई 1960 को और रमेश बैस जो हैं आपको है आपको राज्यपाल हैं ठीक है रमेश बैस राज्यपाल हैं अड़तालीस यहाँ पे लोकसभा सीट है उन्नीस आपको राज्यसभा सीट है ठीक है और दो सौ अठासी याद रखने यहाँ पे विधानसभा सीट दो क्या है अठासी विधानसभा सीट और अठहत्तर याद रखेंगे यहाँ पे विधान परिषद सीट है अठहत्तर क्या है विधान परिषद अब उस उसके बाद है आपको फाइव देखिए फाइव क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना जो है लामिती दो हजार संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ प्रारंभ करे यानी भारतीय सेना जो है लामितीय जो है लामितिय दो हजार चौबीस संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ शुरुआत करेगा तो फाइव का जो आंसर होगा आपको याद रखना है उसके अलावा बात करेंगे तो श्रीलंका के साथ कौन सा होता है मित्र शक्ति होता है मित्र शक्ति है ना उसके अलावा सिलेनेक्स होता है सिलेनेक्स होता है संप्रीति किसके साथ होता है तो संप्रीति बांग्लादेश के साथ होता है है ना और धर्म तो धर्म गर्जियन भारत जापान और ब्रज पर हार याद रखना है अमेरिका और वरुण अभ्यास तो ये आपको फ्रांस वरुण किसके साथ फ्रांस के साथ, के साथ. याद रखना है जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच होता है और देखिए मालदीव जो है माल सॉरी नेपाल जो है सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच कौन सा सूर्य किरण अभ्यास होता है अब एक याद रखना है भारत और मालदीव एक भारत और मालदीव के बीच होता है ठीक है अब उसके बाद है आपको सिक्स देखिए सिक्स क्या कहता है सिक्स जो है कि हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है यानी कौन सा देश में ज्वालामुखी फटा इसके बाद जो है आपातकाल का घोषणा किया गया तो इसका आंसर होगा आइसलैंड ठीक है क्या होगा आइसलैंड इसका आंसर होगा इंपोर्टेंट है, है याद रखेंगे नेक्स्ट है आपको सेवन सेवन क्या कहता है सेवन है कि हाल ही में बीत वर्ष 2025 के लिए फिंच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर अनुमान कितना किया है कितना लगाया है तो इसका जो आंसर होगा आपको सात परसेंट कितना होगा सात परसेंट अब उसके बाद है आपको एट देखिए एट कहता है कि हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ शुरू हुआ यानी स्टार्टअप जो है महाकुंभ कहा शुरू हुआ है तो इसका जो आंसर होगा एट का आंसर क्या होगा नई दिल्ली होगा इसका आंसर ठीक है क्या होगा नई दिल्ली होगा यानी इसका आंसर क्या होगा नई दिल्ली और नई दिल्ली में देखिए नई दिल्ली क्या है भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है नई दिल्ली और नई दिल्ली में अगर हम बात करेंगे दिल्ली में तो देखिए यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और विनय कुमार सक्सेना कौन है उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना आपको क्या है उपराज्यपाल हैं और आप कमेंट करके बताएंगे कि लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर जिसको अति प्रवाहार जो मिला है किनको मिला है ये आप याद रखेंगे आप याद नहीं रखेंगे इसको जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करेंगे नई दिल्ली में तो यहाँ पे सात लोकसभा सीट है तीन आपको राज्यसभा सीट है क्या है सात लोकसभा सीट तीन आपको राज्यसभा सीट है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है आपको नाइन यानी आज का सेकंड लास्ट प्रश्न कि हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का ब्राहमा संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया यानी भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का बारहमा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया तो नाइन का आंसर होगा नई दिल्ली ये भी आपको नई दिल्ली होगा ठीक है नई दिल्ली याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इटली के प्रधानमंत्री कौन है तो जॉर्जिया मेलोनी जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं कौन तो फ्रांस के हैं गैब्रियल अटल गैब्रियल अटल हैं जो आपको दो हजार चौबीस में छब्बीस जनवरी को छब्बीस जनवरी के अतिथि छब्बीस जनवरी को आपको अतिथि के रूप में आए थे यानी गेस्ट के रूप में आए थे ठीक है कौन आए थे तो इमेनुअल मैक्रो और फ्रांस के प्रधानमंत्री अगर बात करेंगे तो गैब्रियल अटल याद रखना है गैब्रियल अटल क्या है फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं ठीक है ठीके? और वही बात करें नेपाल का तो देखिए क्या बोलते हैं श्रीलंका का अगर हम बात करेंगे तो रानिल विक्रम सिंधे आपको राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंधे राष्ट्रपति हैं और दिनेश गुणवर्धन याद रखना है दिनेश गुणवर्धन जो है आपको प्रधानमंत्री हैं ठीक है अब उसके बाद है आपको दस यानी आज का लास्ट प्रश्न देखिए लास्ट प्रश्न है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर उन्तीस पॉइंट पचपन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है यानी आरबीआई जो है किस बैंक पर इतना लाख यानी उनतीस पॉइंट पचपन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है तो इसका आंसर होगा बंधन बैंक ठीक है क्या होगा बंधन बैंक और आरबीआई के गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास है ठीक है शक्तिकांत दास और इसका गठन जो है कब हुआ 1935 और हेड और हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है हेडक्वार्टर मुंबई में है और यूनिस यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रांस है और यूनिसेफ का यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क है ठीक है और गेट का गेट जी ए डबल टी गेट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका भी आपको जिनेवा है ठीक है इसका कहाँ है जिनेवा है अब उसके बाद है आपको ये जो प्रश्न है होमवर्क है ठीक है क्या है होमवर्क है इसको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आपको देना है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो क्या करेंगे लाइक कर देंगे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और इस क्लास का राय जो है आप जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा ठीक तो है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद